हेलो एवरीवन आई एम मानसी शर्मा ऑन माय यूट्यूब चैनल मानसी शर्मा इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्टमक बेड स्टमक बेड होता क्या है बेसिकली स्टमक बेड मतलब जो स्टमक के पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर इंफीरियर रिलेशन हैं विसरल रिलेशन वो कौन कौन से दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज द स्टमक बेड ठीक है Uh, ये विसरल रिलेशन है रिलेशन ऑफ द पोस्टीरो इन्फीरियर सरफेस कोई नंबर ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहती है जिसको हम लोग ऑन द पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल जिसको हम लोग कलेक्टिवली स्टमक बेड बोलते हैं अब इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है और इसका ही डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट ठीक है तो हमें याद करना है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक बेड कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो स्टमक बेड बना रहे तो टोटल हमको दिख रहा है कि यहाँ पे आठ स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक का बेड फॉर्म कर रहे हैं ठीक है सबसे ऊपर अपने को कैसे देखना है देखो कैसे डायग्राम को हम जो है याद करेंगे ड्यूडनम होता है सी शेप ड्यूडनम उसमें मैंने ड्यूडनम की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है तो ड्यूडनम में क्या रहता है जो उसकी सी शेप कॉन्केविटी रहती है उसमें हेड ऑफ़ पेनक्रियाज एम्बेडेड रहता है तो हमारा पेनक्रियाज हो गया ठीक है फिर हमें पता है कि पेनक्रियाज की टेल किससे एसोसिएटेड रहती है हमारी स्प्लीन से तो यहाँ पे स्प्लीन बना दी नीचे पे क्या है हमारा कोलॉन बना दिया ठीक है स्प्लीन है तो ऑब्वियसली स्पिनिक आटरी सप्लाई कर रही होगी स्प्लीनिक आटरी आ गई फ्रॉम एब्डोमिनल एओटा स्प्लीन के आगे लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुपरा रीनल ग्लैंड ऊपर पे डायफ्राम कैसे स्ट्रक्चर याद हुए ऊपर से नीचे चलते आते बोलते जाते हैं डायफ्राम है स्प्लीन स्प्लीन है तो स्प्लीनिक आटरी लेफ्ट किडनी दिख रही है उसके ऊपर लेफ्ट सुपरा रिनल ग्लैंड ठीक है फिर लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन और बॉडी ऑफ पेनिक्रियास हो गई याद ऊपर से नीचे मतलब डायफ्राम स्प्लीन लेफ्ट किडनी लेफ्ट सुपरा रिनर ग्लैंड आर्टरी, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर ट्रांसफर्स मीजोकोलॉन हो गए आटो स्ट्रक्चर ठीक है तो इसके लिए निमोनिक भी दे रखा है कि डॉक्टर <coughs> एस किल्स पेशेंट मर्सी डी फॉर डायफ्राम एस थ्री फॉर स्प्लीनिक आर्टरी सुपरा रिनर ग्लैंड एंड लेफ्ट कॉलिक फ्लैक्शर से किडनी पी से पेनक्रियाज एंड वर्सीलसली के एम से मीजोकोलॉन तो आए तो प्रिफर कि डायरेक्टली ही याद कर लें डायफ्राम स्प्लीन लेफ्ट किडनी लेफ्ट सुगरिनल ग्लैंड स्प्लीनी आर्टरी क्योंकि एबडामिनल एटा किसीक्ट्रॉन से निकल रही है डायरेक्ट ब्रांच उसकी स्प्लीनी काटरी तो आप लोग अगर डायग्राम को लर्न लें कर लेंगे तो विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक बैंड Ding, 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 ding. ठीक है एक और बार बोल लेते हैं डायफ्राम स्प्लीन लेफ्ट किडनी लेफ्ट सुपरिनल ग्लैंड लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर स्पीनिक आर्टरी ट्रांसफर्स मीजोकोलॉन एंड बॉडी ऑफ एनक्रियास तो ये हो गया हमारे स्टमक बेड ठीक है इधर क्या लिखा है ऑल द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय द लेसर सेक एक्सेप्ट द स्प्लीन विच इज सेपरेटेड फ्राम द स्टमक बाय द ग्रेटर सेक ऑफ पेरिटोनियम जितने भी स्ट्रक्चर है स्टमक बेड के वो स्टमक से सेपरेटेड है लेसर सेक से लेकिन स्प्लीन को छोड़ के जो कि ग्रेटर सेक ऑफ पेरीटोनियम से सेपरेटेड है ठीक है बस इतना ही था स्टमक बैड मतलब पोस्टिफीरियर रिलेशन विसरल रिलेशन ऑफ स्टमक में सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टमक बैड Diaphragm, spleen, left kidney, left suprarenal gland, splenic artery, body of pancreas, left colic flexure, transverse mesocolon. Okay. Do like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Mansi Sharma. Thanks for watching. Do not forget to press the bell icon.